हेलो एवरीवन, आज मैं आपने लेके आई हूँ बहुत ही स्पेशल सी बर्फ़ी। जी हाँ, इसमें भरपूर मात्रा में आयरन है, कैल्शियम है, आपके दिमाग को तेज करती है, आपके पाचन शक्ति को बढ़ाती है, आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है, आपके हड्डियों को मजबूत करती है। तो है ना ये मज़ेदार सी रेसिपी। जब भी मीठा खाने का मन करता है तो सोचते हैं कि ऐसा क्या खाएं जो हेल्दी भी हो और टेस्टी भी हो। तो जी हाँ, आज हम बनाएंगे तिल से बनी हुई एक रेसिपी, जिसे आप ज़रूर बनाएं और स्टोर कर सकते हैं 15 दिन तक। आराम से ये चलती है और खाने में इतनी टेस्टी है कि आप इसे हमेशा बनाकर ट्राई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर तिल लिया है, तो सारा मेजरमेंट एक ही कप से करेंगे। तो एक कप शट कर ले, उसी से सारा करेंगे। तो यहाँ पे हमने तिल ले लेना है। तिल पॉलिश वाली भी मिलती है और अनपॉलिश भी मिलती है, तो कोई भी आप ले लें। और इसी कप से लेना है और इसे हम मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से इसे रोस्ट करेंगे। चलिए तिल खाने के फ़ायदे भी हम जान लेते हैं। शरीर में कोलेस्ट्रॉल को ये कम करता है, हड्डियों को मजबूत करता है, हृदय को ये स्वस्थ रखता है और स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। तिल में बहुत सारे फैट यानी मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो देखिए, मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लेना है। इसे कलर नहीं चेंज करना, बस हल्की सी खुशबू आने लगे और अब देख रहे हैं हल्के से चटकने लगे, बस उतना ही हमें इसे भून कर तैयार कर लेना है। ये एनीमिया को दूर करता है, यानी जिनमें खून की कमी उनके लिए बहुत ही अच्छा है, खून को बढ़ाता है। साथ में यहाँ पे हम मूंगफली ले लेते हैं। जितना हमने तिल लिया उतना ही हम यहाँ पे मूंगफली लेंगे। मूंगफली भी बहुत ही अच्छी होती है, इसके भी फायदे जानते हैं। ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है मूंगफली। मूंगफली में कैल्शियम पाया जाता है जो आपकी हड्डी को बहुत अच्छी होती है, स्किन को बेदाग बनाती है, यानी खूबसूरत बनाती है आपकी स्किन को मूंगफली। ये मूंगफली जो होते हैं ना, अगर सेवन करेंगे इन्हें लगातार, तो खून की कमी को भी ये दूर करती है। दिल से जुड़ी बीमारियों के लिए बहुत ही अच्छा है, यानी उसके खतरे को कम करती है। मूंगफली में हड्डियों को मजबूत बनाने की शक्ति होती है, कैल्शियम होती है। अब देखिए, मूंगफली भी अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं सूखी हुई नारियल। सूखी हुई नारियल आप ज़रूर डालें। इस तरह से जो ड्राई कोकोनट होते हैं उसे हमने कद्दूकस कर लिया। डेसिकेटेड कोकोनट नहीं लेना है। गैस का फ्लेम हमने ऑफ कर दिया, पैन हमारा गर्म है, उसी में अच्छे से ये रोस्ट हो जाएंगे। सिर्फ जलाना बिल्कुल भी नहीं है, ये तो टेस्ट ख़राब हो जाएंगे। लगभग 1/4 हमने यहाँ पे लिया है सूखा हुआ गोला, इसे कद्दूकस कर लिया है। तो देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है सूखी हुई नारियल से, और आपके हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है। तो चलिए इसे भी हम बाहर निकाल लेते हैं। सभी चीज़ अच्छे से भुनकर तैयार हो गई है। तिल भी अच्छी तरह से यहाँ पर ठंडे हो चुके हैं। अब यहाँ पर तिल लगभग हमने एक मुट्ठी यहाँ पर तिल निकाल लेना है अलग से। तो यहाँ पर 2 मुट्ठी हमने निकाल लिया है इस तरह से, थोड़े से क्वांटिटी में, और इसे हम अलग रख देते हैं। और यहाँ पर तिल को अच्छे तरह से आपको यहाँ पर ठंडा कर लेना है, उसके बाद ग्राइंड करना है। तो एक मिक्सर ग्राइंडर ले लेते हैं और तिल को इस मिक्सर ग्राइंडर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। पूरे ड्राई होने चाहिए आपके मिक्सर ग्राइंडर, बिल्कुल भी पानी नहीं होने चाहिए। और साथ में यहाँ पे हमने लिए हैं दालचीनी। दालचीनी ज़रूर डालें, बहुत ही आपके हेल्थ के लिए अच्छी रहती है, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी होती है सिनेमन, और इसका फ्लेवर और स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। आप चाहे तो यहाँ पर पाउडर भी ले सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं टोटली। तो इस तरह से ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं ले रहे, थोड़े से क्वांटिटी में ले रहे, इसे कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। इसे भी हम डाल देते हैं और इसके साथ इसे भी हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो पल्स में ग्राइंड करें, अच्छे से ग्राइंड हो जाते हैं। तो देखिए अच्छे से हमने यहाँ पे ग्राइंड कर लिए हैं तिल को भी, तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तिल के फ़ायदे मैंने बताया, तिल की तासीर बहुत गर्म होती है, ये थोड़े से नुकसान होते, तो आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लें, लिमिट क्वांटिटी में लें, नहीं तो बहुत ही गर्म तासीर की होती है तो सेहत के लिए अच्छी नहीं ज़्यादा होगी ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो। अब उसी मिक्सर ग्राइंडर में हम यहाँ पे मूंगफली को भी ग्राइंड करेंगे, लेकिन मूंगफली के छिलके अगर आप हटाना चाहें तो आप हटा सकते हैं, लेकिन इनके छिलके में भी बहुत सारे कैल्शियम प्रोटीन विटामिन होते हैं, तो उसको फेंके नहीं आप, इसके सहित यहाँ पे इसे आप ग्राइंड कर सकते हैं, नहीं तो हटा भी सकते हैं, टोटली ऑप्शन आपके साथ है। तो देखिए इसे भी हमने ग्राइंड कर लिया, तो इसे दरदरा ग्राइंड करें पल्स में, तो बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो जाती है। और इसमें जो खरे खरे दाने होते हैं, जब इसकी बर्फ़ी खाएंगे तो चंक्स रहते हैं ना, वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये भी रेडी हो गया। अब दूसरे पैन में हमने यहाँ एक कढ़ाई ले लेना है।
और यहाँ पे हमने लगभग 200 ग्राम यहाँ पे गुड़ ले लेना है। तो जिस कटोरी से हमने तिल और मूंगफली नापा था उसी कटोरी से लगभग एक कटोरी यहाँ पे गुड़ लिया है और आधा कटोरी और हम ले लेंगे। गुड़ के भी मैं फ़ायदे बता देती हूँ। ये झाइयों में और दाग धब्बों में काम आता है, झुर्रियों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, एसिडिटी से छुटकारा दिलाता है, खून की कमी को दूर करता है, कंट्रोल करता है आपके ब्लड प्रेशर को, हड्डियाँ मजबूत करता है, शरीर में को मजबूत बनाता है और एक्टिव बनाता है। यानी आप इंस्टेंट एनर्जी चाहते हैं तो आप गुड़ का सेवन ज़रूर करें अपने डाइट में, लेकिन हाँ एक लिमिट और एक क्वांटिटी में आप खाएं तभी आपको फ़ायदा मिलेगा गुड़ से। तो देखिए यहाँ पे गुड़ हमने डाल दिया है और थोड़ी सी पानी भी हमने ऐड की है लगभग एक चम्मच, और गैस का फ्लेम मीडियम रखा है और इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छे से हम पिघलने देते हैं। तो ये अच्छी तरह से यहाँ पे पिघल जाते हैं, आपको ज़्यादा कुछ इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। पानी ज़्यादा डाल देंगे तो फिर इसे कुक होने में समय लगेगा। तो देखिए देखते देखते ये पिघल जाते हैं मीडियम फ्लेम पे गुड़। अगर इसमें कोई भी गंदगी हो ना तो आप इसे बाद में जब ये पिघल जाए तो आप इसे छान सकते हैं, देखने में ही लग जाएंगे कि गुड़ गंदे हैं कि नहीं। तो देखिए आप इस तरह से मिक्स करें, उसी में आपको पता चल जाते हैं। गुड़ का सेवन बहुत ही अच्छा होता है, ये आपके लंग्स में जितनी ही जमी हुई गंदगी है सभी को बाहर निकालता है, इम्यूनिटी को ये बूस्ट करता है गुड़। तो देखिए देखते देखते ये कितनी अच्छी तरह से हमारा गुड़ भी पिघल गया है। और आप इसमें लगातार इसमें चलाते रहें, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं दें, जितने गुलठियाँ उसे भी अच्छे से तोड़ते जाए तो बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे ये भी क्रैक हो जाते हैं। गुड़ खाने के इतने सारे फायदे हैं कि हम मैं बता नहीं सकती दोस्तों। चेहरे में ये निखार को बढ़ाने का काम करते हैं, आप इसके फेस पैक भी लगा सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे खास चीज़, जी हाँ एक चम्मच घी हम यहाँ पे डाल रहे हैं जिससे इसका स्वाद और इन्हेंस हो जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे घी डालें या ना डालें, जैसे बहुत लोग होते हैं डाइट कॉन्शियस होते हैं तो आप घी नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर घी डालेंगे तो बहुत ही अच्छा स्वाद, बहुत ही चिकने, बहुत ही सॉफ्ट हमारी ये चिक्की बनकर तैयार होते हैं। तो ज़रूर डालें यहाँ पे घी को, अच्छे से मिक्स कर दिया है। गैस का फ्लेम अभी हमने मीडियम टू लो रखा है ताकि ये जल्दी कुक ना हो हमारे गुड़। इसमें अभी हम और सारी चीज़ें डालने वाले जो हेल्थ के लिए अच्छी होंगी। देखिए किस तरह से उबाल इसमें आ रहा है। अब इसमें हम डालें सौंठ का पाउडर यानी सूखी अदरक का पाउडर, ये पेट के लिए बहुत ही अच्छी होती है। साथ में इलायची का भी पाउडर डाल देते हैं। सौंठ का पाउडर इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, सिर दर्द में के लिए बहुत कारगर है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है ये, तो इसमें ज़रूर डालें। साथ में यहाँ पे तिल जो थे खरे वाले वो भी डाल दिए हैं, नारियल भी हमने सूखी हुई डाल दी है, और साथ में यहाँ पे जितने हमने तिल और मूंगफली डालने थे वो भी डाल देते हैं। गैस का फ्लेम यहाँ पे ऑफ कर देंगे। एक चीज़ और शेयर करूँगी कि आपको यहाँ पे गुड़ को कितना उबालना है, तो बस इसमें हल्के से बबल जो उठ रहे थे ना, बस उतना ही बबल हमें उठाना है। ज़्यादा इसमें कोई भी तार नहीं चाहिए, हमें कोई भी चाशनी नहीं चाहिए इसमें, बस लगभग 2 से 3 मिनट लगते हैं और गुड़ अच्छे से उफान हो जाती है, उबलने लगती है, उतना ही हमें चाहिए। इसे मिक्स करने के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया और एक थाली को हमने घी से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। ग्रीस करने के बाद जितना सारे मिक्सचर था जो हमने मिक्स किया था फटाफट डालेंगे, नहीं तो फिर ये जमना शुरू हो जाती है। अगर आप इसके लड्डू बनाना चाहते हैं तो आप इसकी डबल क्वांटिटी में तिल और मूंगफली को डालें और इसके लड्डू भी बना सकते हैं, लेकिन लड्डू तो हमेशा हम खाते हैं, लेकिन इसकी बर्फ़ी जब बना के खाएंगे ना तो ये मुंह में घुल जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। अब इसे अच्छे से हम फैला देते हैं, घी के कारण ये नीचे चिपकती नहीं है और बहुत ही आसानी से निकल भी जाती है। तो इसे अच्छा से एक शेप दे देते हैं। इसके ऊपर से थोड़े से हमने पिस्ते डाल देने हैं थोड़े से सजावट के लिए, नहीं तो आप बादाम के भी फ्लेक्स डाल सकते हैं। इसे अच्छे से दबा देते हैं ताकि जितने सारे पिस्ते अच्छे से इसमें चिपक जाए। हल्का सा ये 50% ठंडा होने के बाद इसमें हम कट का निशान डाल देंगे, नहीं तो बाद में फिर इसे हमें कटिंग करने में दिक्कत आएगी। तो हल्के से निशान बना दें ताकि हम बाद में आसानी से इसे हम कट कर सकें। इसे हम ठंडा होने देते हैं। तो लगभग 15 मिनट हो चुके हैं, 15 मिनट में ये अच्छी तरह से सेट हो जाते हैं और ठंडे भी हो जाते हैं। अभी सर्दियों का मौसम है तो जल्दी ठंडे हो जाएंगे।
इसे हम निकालते हैं तो देखिए कितनी आसानी से ये निकल गए हैं हमारी बर्फ़ी। इसे मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी, बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बनी है हमारी बर्फ़ी। इसे डेली एक बर्फ़ी डेली आप खाएं, दूध के साथ खाएं तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। ये देखिए कितनी आसानी से बन गए हैं, कोई भी इसमें चिपचिपापन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही परफेक्ट बर्फ़ी बनती है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बाकी कभी इसी तरह से कट करके हम निकाल लेते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, कहीं भी लसलसापन नहीं है, चिपचिपा नहीं है और बहुत ही आसानी से बन जाती है। कोई तार नहीं करनी है, ना ही कोई चाशनी करनी है, ना तो इसमें बहुत ही दिक्कत आती है कि कितनी तार और कितनी चाशनी करेंगे तो ये हार्ड बन जाती है, और अगर इसे बिना चाशनी के बनाते हैं तार के तो ये बहुत ही सॉफ्ट बनती है। तो इसी तरह से बनाएं, खाएं, खिलाएं और स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, यही कामना है। तो देखिए कितनी सॉफ्ट और मॉइस्ट बनी है, इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें, 15 दिन तक चलती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई रेसिपी के साथ।